मैं कैसे ना करूं जिक्रे करबला, जो सांस चल रही है सदका हुसैन का है। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी नवी मुहर्रम अल हराम की मुनासिबत से मजलिस का एहतमाम किया गया। देखते हैं फ्रैंकफर्ट से असगर मिर्जा की रिपोर्ट। यूरोप भर की तरह जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में भी मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से मजालिस अज़ा का एहतमाम किया जाता है। इमाम बारगाह दरे बतूल नौवीं मुहर्रम अल हराम की मजलिस बरपा हुई, जिसमें मुल्क भर के अज़ादारान शरीक हुए। इस मौके पर ज़ाकिरीन ने करबला की जंग का पस मंजर बयान किया। इनका कहना था कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जानसार साथियों के हमरा इंसानियत के लिए अजीम कुर्बानी दी। एक मज़लूम की याद है, एक मज़लूम के गम में मजलिस अज़ा का इनेकाद होता है। अगर हुसैन ने कुर्बानी ना दी होती तो आज जो है इस्लाम नहीं बचता। सहार वफा हर मोमन की निशानी है। मौला अब्बास को अपना मॉडल रोल रखें और दुनिया में इत्तेहाद इत्तेफाक और प्यार मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएं। दुनिया में जहां पे भी जाएंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र इसी तरह सरेआम खुल के करेंगे और दुनिया को पैगाम मोहब्बत देंगे। ज़ाकिरीन का कहना था कि मुहर्रम अल हराम का महीना कुर्बानी के साथ भाईचारे और अमन का दर्स देता है। इमाम अली मुकाम ने हानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी देकर ये बात साबित कर दी कि अहले बैत हक के लिए अपनी जानें दे तो सकते हैं, लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकते। कैमरा टीम के साथ असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी।